माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, टेस्ला, मेटा, ये सारी कंपनियों में क्या चीज कॉमन है? खैर आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, इसमें एक और चीज कॉमन है जो आपको नहीं पता है, वो ये कि सारी कंपनीज ने अपनी हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज रोक दी है, जिसे बोलते हैं हायरिंग फ्रीज। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को जाने भी दिया है। कई जगहों पर जो हायरिंग कंपनीज जिनको हायर करा जाता है कि आप हमारे लिए सही टैलेंट ढूंढे, उनको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि इन कंपनीज को, ये जो ग्लोबल टेक जायंट्स जिसे बोला जाता है, इसे बेलवेदर कंपनीज कहते हैं। मतलब इनका जो, ये लोग जो करते हैं, यहाँ से ट्रेंड्स बनते हैं दुनिया भर के लिए। ये रियलिटी ग्लोबल टेक जायंट्स की है। इंडियन जायंट्स को भी आप अगर देख लें, जो टेक जायंट्स हैं, उनकी भी स्थिति हमने अब आजकल सुना है कि कैसे बड़े जो स्टार्टअप्स हैं वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, उनकी नौकरियां गई हैं वहाँ से, जो एक्सपेंशन के प्लान्स थे वो भी रोक दिए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि ये सारे जो आप ले ऑफ सुन रहे हैं, हायरिंग फ्रीज सुन रहे हैं, वो इंडिया के लिए अच्छी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और इस वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल के यूट्यूब चैनल पर। हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, आप हमें कहीं भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत एक यूनिक ट्रेंड जो निकल कर आ रहा है टेक कंपनीज में। इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का जो टेक टैलेंट पूल है वो वर्ल्ड ओवर बहुत प्रेज होता है। अगर मैं कुछ महीने पहले डेवोस में जब थी तो लोग बोलते थे कि वहाँ पर अगर आप कोई जाकर बोलें आप कहीं पर कि आप इंडियन हैं और आप टेक इंडस्ट्री से हैं, तो लोग इंस्टेंटली आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टैलेंट पूल बहुत बढ़ रहा है, बहुत हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो लोग हैं वो बहुत इन्वेस्टेड हैं इस पूरे इसमें, तो इसके ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है, फिर हम बताएंगे इंडिया के पिक्चर क्या है और फिर कंक्लूजन क्या है। ग्लोबली अगर आप देखें तो मार्क ज़करबर्ग ने, जो फेसबुक मेटा के CEO, इन्होंने रिसेंटली में ही एक लेटर अपनी कंपनी में जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था सीरियस टाइम्स आ रहे हैं जिसमें फियर्स हेडविंग्स होंगे। बेसिकली एक तरह से वार्निंग थी कि जो तो लो परफॉर्मर्स हैं उनकी नौकरी जा सकती है। अगर आप आगे देखें तो ट्विटर ने 30% उनकी जो हायरिंग टीम थी, जो टीम बैठ के डिसाइड करती है कौन किसे कहाँ किस जॉब के लिए देना है, 30% अपनी टीम को निकाल दिया। आगे अगर आप देखें तो बहुत सारी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके जो जितने रेवेन्यू थे वो टारगेट्स मीट नहीं हो पाए, तो गूगल पे इम्पैक्ट पड़ा। गूगल पे इम्पैक्ट पड़ा तो उन्होंने अपनी जो जितनी हायरिंग है वो रोक दी। तो ये सारी काफ़ी चौकन्ना करने वाली बात है। लेकिन वाइल हम ये सारी ग्लोबल ट्रेंड्स, और जैसे हमने कहा कि जब ये बड़ी कंपनीज ऐसा करती हैं तो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, इंडियन टैलेंट बहुत लेती हैं, इंडिया की जो कंपनीज हैं TCS, इंफोसिस, HCL, यहाँ पर भी बहुत सारी हमने देखा है यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके की गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रिशन रेट बढ़ गया है, जिसे कहते हैं कि ये जो इंडिया की तीन टॉप IT कंपनीज हैं TCS, HCL, इंफोसिस, यहाँ पर लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, एक तरफ लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, एक तरफ स्टार्टअप में निकाला जा रहा है, एक तरफ ग्लोबली जो है वहाँ पर हायरिंग रोक दी गई है, तो ये चल क्या रहा है टेक वर्ल्ड में? चल ये रहा है कि अभी बहुत मैसिव चर्न है, जिसे किसी ने डिस्क्राइब करा है, मैं पढ़ रही थी, रशीद प्रेम जी ने, प्रेम जी ने जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि ये समय टेक वर्ल्ड में जो चल रहा है इसे बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। देखिए टेक वर्ल्ड में हुआ क्या, जब कोविड पैंडेमिक पड़ा और सारी कंपनियों को इंस्टेंटली रातों रात अपना टेक एबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ी, अपनी ऑनलाइन डिजिटल एबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ी, उन सब ने दबा के पैसा खर्चा करा इन टेक कंपनीज़ के ऊपर, सबको, चाहे आप छोटी कंपनी हैं, चाहे आप मीडिया चैनल चलाते हैं या फिर आप अपनी छोटी सी कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, आपको रिमोट वर्किंग के चक्कर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, फैक्ट्री चलाते हैं, सबको डिजिटाइज करना पड़ा, तो इन सबके रेवेन्यू चले गए ऊपर। तो जब पूरी दुनिया में बाकी सारे सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे थे कोविड से, टेक कंपनीज अपना धड़ाधड़ इतना अपना रेवेन्यू बढ़ा रही थी, अपना प्रोग्रेस और ग्रोथ चल रहा था उनका, इन पर अब इम्पैक्ट पड़ा है पैंडेमिक के ख़त्म होने के बाद। और ये इम्पैक्ट की वजह से अब क्या हो रहा है कि क्योंकि अब
लोगों ने अपना थोड़े वो लेवल आउट हो गए हैं, इतना खर्चा नहीं हो रहा है, लेवल आउट हो चुका है, तो अब ये कंपनीज घबरा गई हैं कि अब इनको करना क्या है। इनके इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब कह रहे हैं भाई अब संभाल के पैसे खर्चे करनी चाहिए, आप सबको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, तो ये ग्लोबल कंपनीज हो गई हैं। वापस इंडिया के ऊपर आते हैं, इंडियन की आईटी कंपनीज में क्या चल रहा है, जैसे ही पैंडेमिक संभला सब कुछ हुआ, अ लॉट ऑफ इंडिया का जो टैलेंट है वो अब कह रहा है कि हमें इतना काम के बाद हमें नहीं रहना बड़ी सिटीज़ में, ये सब वर्क फ्रॉम होम करते करते इतना अब परफेक्ट हो गए हैं कि कई लोगों ने अपने आपने सुना होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने दिल्ली का घर, बम्बई का घर, बैंगलोर का घर छोड़ के सब अपने अपने घर चले गए हैं। तो इनका कहना है कि हमें काम ही नहीं करना है ऐसी बड़ी सिटीज़ में, हम क्यों अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है तो वहाँ पर भी काम चल पाएगा। और कई सारे लोगों के अंदर, हमने एक और वीडियो करा था आपको बताने के लिए, वो हम लिंक भी कर देंगे यहाँ पर हमारे इंग्लिश चैनल के लिए, जिसमें हमने बताया था कि जॉब्स एंड स्किल्स के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो उसमें ये निकल कर आया कि वर्क फ्रॉम होम अब इतनी मैसिव डिमांड हो गई है लोगों की, उन्होंने जैसे कहते हैं ना स्वाद चख लिया है उसका, कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं ये सारी कंपनीज़। अब क्योंकि अब कल्चर कैसे बनेगा कंपनी का, वो चाहेंगे कि सब एक रूफ के अंदर आए, काम करें एक तरीके से, सबको वापस बुला रहे हैं और सबने धड़ाधड़ रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया, भैया हमें नहीं काम करना है, हमें अपने वर्क फ्रॉम होम ही करना है। अब इसको कम्बैट करने के लिए, और इससे अट्रिशन रेट बढ़ गया इंडिया की आईटी कंपनीज में, अब इन कंपनीज ने फिर ये फाइट करने के लिए क्या किया, अब ये टू टियर सिटीज़ में जाके अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, कोयम्बटूर में, लखनऊ में, कोची, इंदौर, हैदराबाद, नोएडा, ऐसी सारी जगहों पर अब ऑफिसेस खोले जा रहे हैं इन सारे टैलेंट को रिटेन करने के। तो आप देख रहे हैं कैसे स्टोरी स्प्लिट हो गई है दो में, एक जगह है जहाँ टैलेंट छोड़ के कंपनीज जा रहा है, और दूसरा जहाँ कंपनीज लोगों को निकाल रही है, या फिर जो ग्लोबल कंपनीज है वो लोगों को निकाल रही है, या फिर वो कह रही है हमारे पास जगह नहीं है। इंडिया क्यों यूनिक पोजिशन पर है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत मैसिव टैलेंट है, और इंडियन टेकीज को ये बात पता है कि जब ग्लोबल कंपनीज को सस्ते रिसोर्स चाहिए होंगे तो वो इंडिया की तरफ देखेंगे। ये विन विन सिचुएशन कैसे है, क्योंकि इंडियंस जो कंपनीज हैं उनको, जैसे अगर वो किसी इंडियन को हायर करें और आपको US UK बुला के नौकरी दें, गूगल से आपको ऑफर आता है, आपको लगता है अरे भाई ज़िंदगी बदल गई, वहाँ जाके अब रहेंगे एंड ऑल दैट, वहाँ पर कंपनी को एक्सपेंस पे करते हैं, आपके हाउस का अलाउंस है, कंपनी के लिए कॉस्टली अफेयर होता है एक एक्सपैट्रिएट को बुला के वहाँ पर काम लेना। अब ये ग्लोबल कंपनीज कह रही हैं कि आप मत आइए, आप इंडिया से ही काम करिए, तो इंडियंस बहुत खुश हैं कि हमारी डिमांड ग्लोबली बढ़ गई है, कंपनीज बहुत खुश हैं कि हमें सस्ता रिसोर्स मिल रहा है। सो इंडिया की जो टेक स्टोरी है ये बहुत ब्राइट लग रही है, अभी नहीं, पैंडेमिक के बाद नहीं, पर आने वाले सालों में भी। इसमें दिक्कत थोड़ी इंडियन कंपनीज़ को होने वाली है, क्योंकि उनका सारा टैलेंट जाया जा रहा है, और टैलेंट इज़ द मेजर थिंग, बिकॉज लोगों की कमी, अब हेड काउंट जब काउंट होंगे, जब भी अट्रिशन होता है, जब भी ये सब रिविजन्स होते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो सबसे पहले देखा जाता है आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है, और टैलेंट राइट फिट पर जो है वो आपको कैसे मिल रहा है उनको रोका जाएगा, और बाकी सारे जो आपके एक्सपेंशन के लिए लोगों को रखा गया था वो अब निकाला जा रहा है। मैं ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ आपको एक कोट पढ़ के, जो नंदन नीलकनी ने भी अभी कहा था टेक टैलेंट के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा, इन द नेक्स्ट ईयर और टू दिस सिचुएशन इंक्लूडिंग द अट्रिशन विल कम टू एन इक्विलिब्रियम। मैं पूरा आपको हिंदी में बताती हूँ एक सेकेंड में। It's an issue, yes, but in the long term, India will have the finest pool of talent at scale. Hence, India will continue to be relevant in the global digitalization, which is accelerating. वो basically कह रहे हैं कि अगले एक से दो साल में ये जो attrition हो रहा है, जो Indian companies छोड़ छोड़ के techies जा रहे हैं, ये एक ठहराव पर आ जाएगा, एक balance आ जाएगा इसमें, क्योंकि अभी जो musical chairs हो रहा है कि Indian companies को छोड़ के आपने global company join कर ली, आपके rates and सबका evaluation etc. क्योंकि वही जो churn जो कोविड के समय बाकी सिस्टम्स के लिए आया था, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए आया था, जो अब आ रहा है पूरी टेक वर्ल्ड में, वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक और बड़ा अच्छा कोट है जिसमें जो रिशाद प्रेम जी हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा, पीपल कम टू इंडिया एसेंशियली फॉर कॉस्ट, कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है इंडिया आती हैं क्योंकि सस्ता होता है यहाँ पर, कॉस्ट सही होता है, दे स्टे फॉर क्वालिटी, पर वो रुकते हैं क्योंकि कम कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। And now we have become a true talent destination in the world. और अब हम पूरे world का true talent destination बन गए। ये बात बहुत सच है, इसलिए India की जो tech story है ये बहुत bright दिख रही है, अच्छी दिख रही है। इतने engineering institutes सब जो बन रहे हैं उसमें अगर right talent जो है, और अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये जो story है ये बहुत positive दिख रही है। तो ये थी आज की नौकरी की बात।
हम ट्राई करेंगे कि हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स जॉब्स को लेकर, स्किल्स को लेकर, इंडस्ट्रीज में कहाँ चल रहा है आपके तक लाते रहें, हिंदी में भी आपसे बातचीत करते रहें। हमारे मनी कंट्रोल के चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, और वो जो बेल आइकन आता है ना, प्लीज़ उसको प्लीज़ दबाइएगा, क्योंकि अगली बार हम वीडियो करेंगे आपको तभी पता चल पाएगा कि हमने एक नया वीडियो किया है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें हैं जिसके बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।